आप इसको डिलीवर कराइए, आगे से मैं रैपिडो से कोई भी राइड बुक नहीं करूंगा, ठीक है? मैम ये पोर्टर बुक क्यों किया आपने? जी 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 आप वहीं पे दरवाजे पे रहो, मैं आ रही नहीं। ओके मैं जीरो कैश। तो भाई देख सकते हो 453 रुपये की पोर्टर पे मेरे पास एक ऑर्डर आया था, और जिसे भाई मैं पिकअप करने आ चुका हूँ लोकेशन पर। बस पार्सल ज़्यादा बड़ा ना हो, और कोई तो दिक्कत है नहीं भाई हमें। अगर ज़्यादा बड़ा पार्सल होगा फिर दिक्कत आ जाती है ना भाई। लोहे का सामान। तो भाई देखो ये तो हमारे पास पार्सल, और राइड करते हैं हम स्टार्ट। जा नहीं पाएगा तो दे बाकी सही से चलो चलते आगाज करते हैं उसको जाकर ड्रॉप। और ये बड़े ही प्यार से लेके जाना पड़ेगा क्योंकि लोहे की पत्तियां हैं और नुकसान ना देगा बस। तो भाई देखो ऐसे रास्ते देख के ना राइड करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, देख रहे हो। और ये है भाई ड्रॉप लोकेशन, हम आ चुके हैं ड्रॉप लोकेशन पर। और यहाँ करना है भाई हमें ड्रॉप। तो भाई राइड करते हैं हम कंप्लीट, ये करते हैं हमने ड्रॉप। भाई जीरो कैश। पेड ऑनलाइन, ठीक है। और ये हमने कर दिया है कंप्लीट राइड। तो देखते हैं भाई हमारे पास कोई ऑर्डर आता है दूसरा नेक्स्ट। तो वही देख सकते हो आ रही है मेरे पास एक राइड, और ये भफरोल लगी किसने उठा ली भाई? मैंने तो उठाई नहीं है यार, ये मैंने तो राइड उठाई नहीं है। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा, क्या दिखाना चाह रहा है भाई? ओला पे चलेंगे भाई। भाई देखो मेरे पास पोर्टर पे अभी तक एक भी राइड नहीं आई है, और ओला पे आई है एक राइड 147 रुपए की, ठीक है। तो चलते हैं भाई, करते हैं भाई को पिकअप और ड्रॉप करेंगे फटाफट से। ओला से विक्रम बावन जीरो तीन 503 और पोर्टर को करते हैं हम अपन। यू आर ऑन द फास्टेस्ट ट्रेन, आपसे नहीं कह रहा हूं मैं। यू शुड रीच योर डेस्टिनेशन बाय 9:44 पीएम। बैक साइड से निकल जाएंगे नहीं? एक सौ दो चेंज है? नहीं भाई चेंज नहीं होगा, पेटीएम कर दो। पेटीएम चला तो नहीं है? चेंज नहीं चला, कोई बात नहीं 100 रुपये दे दो। चेंज तो चेंज नहीं हुई है। अब तुम पेटीएम चलाते नहीं हो, पेटीएम करूँगा भी तो मैं किसके पास करूँगा? तो तुम पेटीएम चलाते नहीं हो, अगर मैं पेटीएम भी करूँ तो किसके पास करूँगा? अगर मैं तुम्हें चेंज मेरा चलना है चालू है समझे, जा नहीं रहा पेटीएम से, डाटा नहीं है। आप पेटीएम कर दीजिए, हम दे देते हैं पैसे आपके पास चला जाएगा। हाँ ऐसा करा लो आप। एक मिनट, पे टू नंबर बताओ, नंबर बताओ। 93 थैंक यू। तो एक दो कस्टमर हमें ऐसा भी मिल जाता है जिसके पास चेंज नहीं होता है, उसको चेंज हमें देना पड़ता है। तो देख रहे हो मतलब 100 रुपये उन्होंने जब कैश के चक्कर में मेरे को 400 रुपये के पेटीएम करने पड़े। अब मान लो पेटीएम ना हो तो क्या करेगा इंसान? ऑटो चालू कर लिया है, बाकी रैपिडो भी ऑन कर लेते हैं, क्या पता ऑटो आ जाए। तीनों खोल दिए मैंने, अब तीनों ऑन, जिस पर जितना जल्दी ऑर्डर आएगा उस पर उतनी जल्दी हम राइड के लिए निकल पड़ेंगे, ठीक है।
बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। ओला ने हमारे साथ क्या खिलवाड़ किया है, क्योंकि 102 रुपये दिखा रहा है मुझे और ये मेरी पेमेंट तो कुछ ज्यादा बन रही थी, तो 146 रुपये की राइड थी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 44 रुपये आया अकाउंट में मेरे, तो और क्या चाहिए भाई, 44 रुपये ओला ने दे दी मुझे, 102 इसने दे दी, 146 रुपये की राइड होगी। तो भाई मेरे पास आई थी रैपिडो पर एक राइड, और जैसे भाई मैं आ चुका हूँ पिकअप करने, कस्टमर लोकेशन तो यहीं की बताई थी दोस्तों। हाँ जी कोई नहीं, आप बात कर लो, आप लाइन पे ही हूँ अभी। आपने कंपनी को आप लाइन पे लीजिए, क्योंकि मैं पहली दफा नहीं भेज रहा ना भाई। भाई मैं भी यही बोल रहा हूँ आपको, मैं भी पहली बार नहीं चला रहा हूँ, मैं भी ही राइड ही करता हूँ दोस्त। सुनो, आपने रिसीव किया है ना अभी? अभी रिसीव किया है, अभी मैंने ओटीपी नहीं डाला, अभी मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं निकला भी नहीं हूँ, यहीं पे खड़ा हूँ फिलहाल। रिसीव मैंने अभी नहीं, आपको ये आपको लेके जाना पड़ेगा भैया, क्योंकि अच्छा हमको सिखा रिया है। देखे चले गए हैं और आप ये लेके आओ, और मैं कंपनी से बात करता हूँ इस बारे में, ठीक है? हाँ मैं लाइन पे हूँ, कर लो आप बात। लगा सकता हूँ सर, मेरे पास एक राइड आई थी अभी, जब मैं लोकेशन पे पहुँचा हूँ, पार्सल डिलीवरी करा रहे हैं मुझसे। पार्सल डिलीवरी करा रहे हैं जी? ठीक है, कस्टमर आपके साथ ही है? नहीं मैं बात करा देता हूँ, कॉन्फ्रेंस पे करा देता हूँ, आप तो कॉल पे ही है। नंबर तो कस्टमर से स्विच ऑफ आ रहा है। लो बात कर लो ना, बात कर लो, नंबर स्विच ऑफ कहाँ से आ जाएगा? बात बताइए सर, मेरे को ये बताइए, मैंने राइड बुक किया है जी, और ये जो भी यानी एक डब्बी है मेडिसिन और दो पेस्ट है, वो लेने के बाद बोल रहे हैं कि हम ये डिलीवर नहीं करते। आपने ये तो नहीं बोला था कि मेरे को पार्सल लेके जाना है, मतलब आपने बोला था पहुँचो आप और मेरे को कॉल करो, आपने ये बोला था मुझे? बिल्कुल फिर ठीक है सर, आप कैप्टन अगर मना कर रहे हैं तो आप जो इनका सामान है कस्टमर का, आप उन्हें वापसी दे दीजिए। हाँ यहीं पे खड़ा हूँ, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। आप इसको डिलीवर कराइए, आगे से मैं रैपिडो से कोई भी राइड बुक नहीं करूंगा, ठीक है? बस इसको करा दीजिए, क्योंकि कोई व्यक्ति मेडिसिन है उसको लेना है, डिलीवर करना है ना करना वो तो कैप्टन के हाथ में है ना सर। कोई देखिए सब कस्टमर ने, आप जब कैप्टन मना कर रहे हैं, आप दूसरी राइड ले आप कर लीजिए, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, इसको पहुँचा दीजिए, आगे से ये फंस गया सी है, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया, बट आगे से मैं इस चीज को याद रखूंगा। बात हो जाती है, आप बताइए आप क्या जानकारी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि मैं ये अब मैं फिलहाल डिलीवरी कर देता हूँ, ठीक है? बाकी अगर आगे से मेरे पास कोई ऐसा राइडर आएगा तो भाई मैं रैपिडो नहीं चलाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ सर आपको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो ठीक है, मैं फिलहाल इसे और राइड कर देता हूँ, ठीक है? ओटीपी बता दो मेरे को आप। 501 भाई देखो इसमें है दवाई, मेरे को करनी पड़ेगी ड्रॉप, कुछ और होता तो मैं ड्रॉप नहीं करता भाई, ये गलत इलीगल काम हो जाता ना, तो क्या भाई फटाफट करते हैं ड्रॉप। एक सौ पाँच हो गया भाई, आप जाओ। हो गया पोर्टर पर एक राइड, चलते हैं भाई इसको पिकअप करने। तो भाई हम आ चुके हैं लोकेशन पर और कस्टमर को कर लेते हैं कॉल। तो भाई देखो कस्टमर, मैं लोकेशन पे ही खड़ा हूँ यहाँ पे, और कस्टमर ने देखो लोकेशन कहाँ की भेजी है मुझे व्हाट्सएप पे, दिखाता हूँ आपको। 2.8 मतलब 3 किलोमीटर यहाँ चढ़ गया हूँ, 3 किलोमीटर और इसको कैंसिल करता हूँ भाई मैं। क्या बात कर रहे हैं? अपना नाम मेरा चूतिया, यस। अब मेरा ये है कि मेरे को डिलाइट भी नहीं लगेगा, तो ये होगी भाई मैंने कर दिया कैंसिल। तो भाई हमारे पास आई थी एक राइड जैसे हम आ चुका पिकअप करने, और कस्टमर बोल रहे थे भाई कॉल। मैम ये पोर्टर बुक क्यों किया आपने? जी जी जी, रमेश पार्क लक्ष्मी नगर। यस मैम मैं यहीं पे खड़ा हूँ पिकअप लोकेशन पे। ओके ओके मैम। तो भाई राइड करते हैं हम स्टार्ट। तो भाई हम आ चुके हैं ड्रॉप लोकेशन पर, तो राइड करते हैं अपन कंप्लीट। आप 156 यस। तो भाई पेमेंट आगे देखो हमारे पास, चलते हैं भाई। भाई मेरे पास आई है ओला की एक राइड 56 रुपये की, तो चलते हैं भाई को पिकअप करने।
ओ टी पी बता दो। दे रहा हूँ भाई एक मिनट। वेलकम। भाई देखो मैंने भाई को 1.3 किलोमीटर ड्रॉप किया है और मुझे इस पर राइड पे मिला है 56 रुपये। देख रहे हो तो भाई यही तो चाहिए ओला में, और क्या चाहिए भाई। मैं कह रहा हूँ ओला से ज़्यादा कोई अर्निंग कोई ऐप नहीं होगा जो दे रहा होगा आज के टाइम में। स्कूटर की तो भाई अब मार्केट ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, क्या करें भाई। स्कूटर काम ही ऐसा कर रहा है तो चलते हैं भाई अब घर पे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका न्यू वीडियो में एंड अनदर वीडियो। आज की अर्निंग की बात करें तो 917 रुपये मेरी टोटल अर्निंग हुई है आज की, उसमें जिसमें कि मैंने 5 राइड कंप्लीट किया है। उसमें मेरे टाइम की बात करें तो 5.5 घंटे लग गए। अगर टोटल पेट्रोल का खर्चा निकाल के बात करें तो 667 रुपये की मेरी अर्निंग हुई है भाई। और एक ऐसा हुआ कि भाई मेरे साथ प्राइवेट एक राइड आई थी जिसमें कि वो राइड की जगह मेरे को पार्सल दे रहे थे और मैंने उनको बोला कि सर ये ऐसे अलाउड नहीं है, आप दूसरे ऐप से भी राइड करा सकते हो। नहीं, मैं रोज बुक करता हूँ और आपको ले जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने तुरंत ही कस्टमर केयर को कॉल मिलाया और उनसे बात कराई तो भाई कस्टमर बोलने लगा ठीक है चलो सॉरी आज के बाद मैं बुक नहीं करूँगा और आप इसको अभी ड्रॉप कर दो, उसमें दवाई आया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अब दवाई है तो ड्रॉप तो करनी पड़ेगी। अगर कोई और पार्सल होता तो भाई मैं बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करता। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।